पहले अयोध्या, फिर काशी और मथुरा का नंबर आ गया है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि काशी से लेकर मथुरा तक हिंदू मिठाई बांटने लगे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जैसी आकृति के साथ हिंदू देवी देवताओं की आकृति मिल चुकी है और अब बारी मथुरा की है। हिंदू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद को बनाने का आरोप लगाता आया है, तो कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी जल्द होने वाला है। अब शाही ईदगाह मस्जिद में भी भगवान श्री कृष्ण के होने के सबूत तलाशे जाएंगे। शाही ईदगाह का भी ये सर्वे होगा। सवाल ये है कि ये सर्वे कब होगा, कौन करेगा, क्या शाही ईदगाह मस्जिद में भी जमीन की खुदाई होगी? आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे इस रिपोर्ट में। ये सब तथ्य न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अब बिल्कुल हो जाएगा। पहले अयोध्या, फिर काशी, अब मथुरा की बारी। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आ गया कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश। जो काशी में हुआ वही अब मथुरा में भी होगा। ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग, शाही ईदगाह में मिलेंगे श्री कृष्ण के सबूत। कोर्ट का फैसला आया और कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े लोग झूम उठे। सालों से जिसका इंतजार था, जिस बात पर शाही ईदगाह के लोगों का एतराज था, आखिरकार अब वही होने जा रहा है। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। आखिर हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाले मिठाइयां बांट रहे हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शाही ईदगाह में क्या होने वाला है? क्या अब शाही ईदगाह की जमीन खोदी जाएगी? कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद सालों पुराना है। हिंदू कहते हैं शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर बनाई गई, तो मुस्लिम इसे पुरानी मस्जिद बताते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सवाल ये है कि हिंदू पक्ष की क्या मांग थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या फैसला दिया है? हिंदू पक्ष शाही ईदगाह में कृष्ण जन्मभूमि के सबूत होने का दावा कर ज्ञानवापी मस्जिद की तरह सर्वे कराने की मांग कर रहा था, और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहाँ जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह की एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी है। एडवोकेट कमिश्नर के निगरानी में ये सर्वे होगा। हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर के निगरानी में सर्वे कराने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। लेकिन सवाल यह कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, सर्वे कब होगा, कैसे होगा, क्या जमीन की खुदाई होगी या फिर सिर्फ दीवार और परिसर में मौजूद सामानों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी? कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर के निगरानी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ के जरिए सर्वेक्षण होगा। रही बात कोर्ट कमिश्नर सर्वे की तारीख, तो हाई कोर्ट इसका फैसला 18 दिसंबर को सुनाएगा। टेस्ट का मैं पक्षकार था और सबसे पहला केस मैंने ही दाखिल किया था। हमारा मानना है कि ये बड़ा अद्भुत फैसला है और बड़ी खुशी के पल हैं ये, और हम शुरू से 2020 से इसे लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था इस मामला को, और हम चाहते हैं कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाए और कोर्ट कमीशन जाकर के पूरी स्थिति, वहाँ की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। और ये 13.37 एकड़ है जिसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी है, जबरदस्ती मंदिर को तोड़ करके, जो भगवान का असली गर्भगृह था उसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। अब हम वहाँ कोर्ट कमीशन चाहते थे और कोर्ट कमीशन के आज आदेश हुआ है। अभूतपूर्व फैसला उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है और जब कोर्ट कमीशन वहाँ जाएगा तो पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच इंच भर का भी फासला नहीं है। दोनों के बीच एक ही दीवार है। लाल पत्थर की बनी दीवार के उस पार दिखाई दे रहे गुंबद शाही ईदगाह मस्जिद के और दीवार के इस तरफ कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच 13.37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है।
इनमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है, बाकी के 2.5 एकड़ जमीन शहीदगाह मस्जिद के पास है और अब हिंदू पक्ष पूरी जमीन की मांग कर रहा है। शहीदगाह मस्जिद को परिसर से हटाने के लिए कोर्ट पहुंचा है और अब हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी की तरह ही शहीदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के सबूत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल बढ़ेंगे, कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाएंगे, वहां की डायमेंशन होगी, प्रॉपर्टी की फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और जितने भी प्रतीक हैं, हिंदू प्रतीक बने हैं, वो सब रिकॉर्ड पे आएंगे और वो रिकॉर्ड पे न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे। ईदगाह मस्जिद में जो भगवान श्री कृष्ण मंदिर के जो प्राचीन साख थे, जैसे पुष्प था, कमल का निशान था, शेषनाग का निशान था, स्वास्तिक का चिन्ह थे, जो प्राचीन मंदिर के प्राचीन शिलालेख थे, प्राचीन कलाकृतियां थी, वो सभी इस मस्जिद के नीचे दबी हुई है। अब अधिकारी उसकी रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। दावा किया जाता है कि शाही ईदगाह की नींव 17वीं सदी में पड़ी थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि का दावा है कि जहां पर यह मस्जिद बनाई गई है वहां पर राजा कंस का कारागार था, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां केशव देव यानी भगवान विष्णु का भव्य मंदिर था। याचिका में दावा किया गया है कि मुगल सल्तनत औरंगजेब ने मंदिर को गिराकर ईदगाह बनवाया है। मथुरा में जहां मंदिर और शाही ईदगाह मौजूद है, उस जमीन का पट्टा नंबर 825 है जो केशव देव के नाम पर रजिस्टर है और केशव देव और पट्टा नंबर 825 को लेकर मंदिर से जुड़े लोग क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। जो इसका राजस्व का नंबर है, रेवेन्यू का, वो 825 नंबर है और वो एक ही नंबर है और उसी नाम से ये मोहल्ला भी है नगर पालिका में, यानी कटरा केशव देव ये मोहल्ला है। कटरा केशव देव मीन्स जो युगों युगों से केशव देव का मंदिर जहाँ था उसको सराउंडिंग है, अर्थात जो कंस यहाँ का राजा था उसका जो कारागार परिसर था वो संपूर्ण परिसर जहाँ बाद में भगवान कृष्ण के मंदिर बने केशवदेव मंदिर के नाम से, वो सराउंडिंग कहलाती है कटरा केशवदेव। और उसका रेवेन्यू नंबर एक है 825 और 825 नंबर का जो क्षेत्रफल है, जो उसका एरिया है, वह 13.37 एकड़ है, तो उसका स्वामित्व जन्मभूमि ट्रस्ट का है। और अब कोर्ट का फैसला आ गया है, औरंगजेब के गुनाहों के सबूत तलाशे जाएंगे, मंदिर होने के पुख्ता जानकारी इकट्ठा की जाएगी। याचिका में दावा किया गया है कि वहां अभी भी दीवार पर शेष नाग और कमल पुष्प की आकृति मौजूद है जिसने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। हालांकि ऐसा नहीं कि शाही ईदगाह ने सर्वे का कोर्ट में विरोध नहीं किया, लेकिन हाईकोर्ट ने सर्वे के खिलाफ ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया और अब मुस्लिम धर्मगुरु इसे वर्शिप एक्ट के खिलाफ बता रहे हैं। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। कोर्ट का अपना अपने फैसले होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रेटर्निटी को इस पर गौर करने की जरूरत है। हाई कोर्ट का फैसला आते ही EIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच 1968 में हुए समझौते की कॉपी ट्विटर पर सियासत चमकाने के लिए लगा दी, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि ने इस समझौते को अवैध बता दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि 1968 में हुए उस जमीनी समझौते को ही कोर्ट में चैलेंज किया और उस समझौते को अवैध बताकर शाही ईदगाह के पास मौजूद 2.5 एकड़ जमीन को वापस देने की मांग कर रहा है। हम लोग जाएंगे कोर्ट कम को, उन सभी तथ्यों को दिखाएंगे कि ये हिंदू प्रतीक बने हैं दीवारों पर, किस तरह से कितनी प्रॉपर्टी है, किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया, ये सब तथ्य हम न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अब बिल्कुल हो जाएगा। सवाल ये क्या कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच किस तरह का समझौता हुआ था जिसकी दलील मुस्लिम पक्ष बार बार देता है। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया था कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, इसका प्रबंध ट्रस्ट करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की एक संस्था का गठन हुआ। कानूनी तौर पर इस संस्था के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, जिसके बाद 1964 में इस संस्था ने पूरे जमीन पर नियंत्रण के लिए कोर्ट में एक सिविल केस को दाखिल किया, लेकिन 12 अक्टूबर 1968 में इस संस्था ने खुद मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के कब्जे वाली कुछ जमीन छोड़ी, लेकिन इसके बदले में पास की जगह शाही ईदगाह को दे दिया गया। अब इसी समझौते को श्री कृष्ण जन्मभूमि ने चैलेंज किया है
याचिका में दावा किया गया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ को समझौते का अधिकार ही नहीं था।